स्वागत है आप सभी का एसपीएन 9 न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शशिप्रिया। आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है, दूसरे चरण की ये मतदान है और इसमें काफी संख्या में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और ले भी क्यों ना, क्योंकि मत का अधिकार उनका है और आम आदमी जब तक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगा वो अपने हिसाब से जनप्रतिनिधियों को चुन नहीं पाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हिसाब से जनप्रतिनिधि हो तो आप जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, एक एक वोट बहुत कीमती है। इस तरीके से हम बात मथुरा की कर रहे हैं। मथुरा में लोगों का खूब उत्साह देखने को मिला है, लोग वहां पर काफी संख्या में पहुंच पहले सुबह से ही महिलाएं कतारों में लगी हुई हैं। इसके अलावा अगर बात हम बुजुर्गों की करें तो बुजुर्ग भी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा व्हील चेयर पर भी जो लोग हैं वो भी चूक नहीं रहे, वो भी पहुंच रहे हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो जब ऐसे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं तो फिर युवा वर्ग ऐसे में कैसे पीछे रह सकता है। युवा वर्ग भी इस बार अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए काफी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। मथुरा की अगर हम बात करें तो दूसरे दौर का जो मतदान है इसमें काफी संख्या में लोगों में उत्साह तो है ही, लोग पहुंच रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके मन मुताबिक जो उम्मीदवार है वो वहां पर चुने जाए। आप भी अगर चाहते हैं तो जरूर पहुंचे। इस चरण में हेमा मालिनी सहित कई दिग्गज उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ हेमा मालिनी महेश पाठक आमने सामने हैं और इनमें कांटे का टक्कर माना जा रहा है। पूरे देश की निगाहें इस बात पर है कि बाजी किसके हाथ में जाएगी। आपको बता दें कि किस किस दिग्गज नेता की साख इस चरण में दांव पर है। उत्तर प्रदेश का मथुरा संसदीय क्षेत्र अपने स्टार फैक्टर के कारण हमेशा ही चर्चा का विषय रहा है। जब तक प्रचार रहा हेमा मालिनी खूब गई खेतों में, गेहूं काटे, ट्रैक्टर चलाया, क्या क्या न किया और उनके लिए बीरू भी पहुंच गए। जब हेमा पहुंचेंगी, जब बसंती पहुंचेंगी तो बीरू का पहुंचना तो लाजमी ही था, वो भी पहुंचे और उन्होंने भी खूब जमकर प्रचार किया था। और अगर हम बात करें अन्य लोगों की तो वो भी वहां पर पहुंचे थे और इस कारण ये जो सीट है वो चर्चा का विषय बना रहा। वर्तमान में यहाँ से बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी नेता हेमा मालिनी सांसद है। इस बार फिर बीजेपी ने हेमा मालिनी पर भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा से टिकट दिया है। उनके खिलाफ इस सीट से कांग्रेस के महेश पाठक चुनावी मैदान में है, जैसा कि हमने आपको बताया। सपा बसपा महागठबंधन ने भी कुंवर नरेंद्र सिंह जैसे मजबूत उम्मीदवार को खड़ा किया है। मथुरा में मतदाताओं में मतदान के प्रति खूब जोश देखने को मिल रहा है। और यहीं पर हम आपको बता दें कि जब भी मताधिकार का प्रयोग किया जाता है तो चुनाव आयोग भी अपनी तरीके से बहुत ही बेहतर व्यवस्थाएं करता है और इस दरमियान चुनाव आयोग ने बेहतर व्यवस्थाएं की हैं। आदर्श बूथ का इंतजाम किया है जहां पर कि लोगों का खास ख्याल रखा जा रहा है और ये आदर्श बूथ बनाया गया है BSA कॉलेज मथुरा में मतदाताओं के प्रति। तो चुनाव आयोग की तरफ से आदर्श बूथ की व्यवस्था की गई है। इस आदर्श बूथ में काफी संख्या लोग पहुंच रहे हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आदर्श बूथ इसलिए बनाया जाता है कि जो लोग वहां पर मतदान के लिए पहुंचेंगे उनका खास ख्याल रखा जाता है। उनके लिए चाय की व्यवस्था होती है, इवन फूलों की भी व्यवस्था होती है, उनका स्वागत किया जाता है। और मतदाता चूंकि इस वक्त बहुत बड़े माने जाते हैं और इस दरमियान उसके स्वागत के लिए ये व्यवस्थाएं की गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि किसी भी हालत में जो लोग माँ होती है उनके बच्चे भी साथ में आते हैं, छोटे छोटे बच्चे को भी लेकर महिलाएं पहुंच जाती है। तो इन तमाम चीज़ों की बुजुर्गों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो इसलिए भी आदर्श बूथ बनाया जाता है। और इस बार भी आदर्श बूथ की स्थापना की गई है और वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। जो लोग व्हीलचेयर से पहुंच रहे हैं, जो सक्षम नहीं है कि वो खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वो व्हीलचेयर पर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि यूपी के 8 सीटों पर मतदान जारी है। अमरोहा में 10, अलीगढ़ में 7 और बुलंदशहर में 10% मतदान की खबर मिल रही है। और इसके साथ ही ताज़ा अपडेट से हम आपको हर बार रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। नमस्कार, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।